हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लहसुनी चटपटा चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा लगेगा और इसका स्वाद हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं 750 ग्राम चिकन ली हूँ। चिकन को मैं अच्छे से धो ली हूँ साफ पानी से और एक थाली में निकाल ली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड करूँगी 5 लहसुन की गांठ। तो देखिए, लहसुन को मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फ्रेंड्स, लहसुन खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, तो हम चिकन में आज लहसुन डाल करके बनाएंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में एक टमाटर कटा हुआ डालेंगे, 2 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 25 से 30 लहसुन की छीली हुई कलियाँ, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, इन सारे मसालों को पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे पीस चुके हैं। तो कढ़ाई में मैं 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दी और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता और 3 से 4 सूखी मिर्च तोड़ करके। अब लो फ्लेम पर तेज़पत्ता और सूखी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 6 मीडियम साइज का इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पीसे हुए मसाले और थोड़ा सा पानी डाल करके जार को खंगरा देंगे इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, तो इसमें चिकन इस तरह से डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे। इसके पहले हम लोग लहसुन की गांठ डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन और मसालों को भूनने देते हैं, ऐसे ही खुला ही, ढकेंगे नहीं, ऐसे ही खुला ही भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन भुन गया है अच्छे से, तो इस तरह से एक बार चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग 2 छोटी कटोरी पानी ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो इस तरह से पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी को मिक्स करने के बाद एकदम गैस का फ्लेम लो करके 25 मिनट तक ढक करके चिकन को पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 25 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारा चिकन एकदम रेडी है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है एकदम, मतलब जो भी खाएगा सब लोग तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुनी चटपटा चिकन मसाला रेडी है। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करें,
आप चावल से खाएं या रोटी से, बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।